चुनाव आ रहा है, वोट मांगने आएंगे योगी जी? हम तो वोट देंगे नहीं। भाजपा को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी मेरा बच्चा बच गया नाली में, गिर जाता। कितना गहरा नाला है इधर, बचता वो? कौन आता बचाने? योगी जी आते? बिल्कुल नहीं आते। योगी जी वोट नहीं दीजिए? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ भैया, योगी जी को वोट दीजिए। नहीं दिया जाए। आपकी कोई नई सरकार आनी चाहिए, कोई नई सरकार और नए नए क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा किया है योगी जी ने हमारे लिए। भाजपा को देते हैं? भाजपा को देते ही हैं हम, भाजपा के आगे भी भाजपा को ही देंगे। अब वो आगे का देखेंगे जो क्या होगा। हमारे साथ में सही काम होगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सही हुआ कि नहीं हुआ? और क्या सही हुआ अभी तक? काम सही हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। मोदी जी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बाल बच्चा को। किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। जो कहते हैं कि मोदी सरकार का कहते हैं, योगी सरकार का कहते हैं मकान दे रही है, हमारे पास मकान भी नहीं, किराए पर रहते हैं। किराए पर? हाँ। फिर से भाजपा को आप वोट दे सकते हैं? ईमानदारी बताइए, दे सकते हैं? क्या बात है, नहीं बनी सड़क तो? सड़क नहीं बनी तो नहीं दे रहे। नाम बताइए गांव का। मेरा नाम गांव कह रही। अपना नाम बताइए। रामवीर रावत मेरा नाम। रामवीर रावत जी से बात करेंगे। और ये इधर दिखाइए, कार आ रही है उधर दिखाइए। हाँ, स्थिति कब से है यहाँ? जब से बारिश हुई है उसका एक साल से ज्यादा हो गई। इसकी गाड़ी फंस गई वहाँ क्या? जी हाँ, अक्सर फंसती है गाड़ी। अरे डेली का काम है यहाँ पर फंसने का, वो बहुतों के पैरों में लग गई है। ये जिला है आगरा? आगरा जिला है, बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री जी विकास नहीं करते यहाँ? कहाँ कराएगा, करते तो आपके सामने देखो आप मौजूदगी में। सिर्फ यही परेशान कि और? अरे आगे भी है, पीछे का रोड भी है, मेन कैरी का रास्ता है वो भी ऐसा ही है। गाड़ी भी दिखाते रहिए जरा, भी दिखा सकते हैं हम आपको। तो गाड़ी तो कई बार फंस सकती है? अरे डेली फंसती है, 2-4 गाड़ी फंस गई लगता है गाड़ी। हाँ जी, निकल के बड़ी मुश्किल से, हर इंसान को परेशानी हो रही है निकलने में। तो यहाँ पर है भाजपा की सरकार? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की। आप इधर आ जाइए। हाँ, विकास करते हैं योगी जी? कहाँ कर रहे हैं कहते योगी जी, क्या कर रहे हैं? ये संसद वगैरह आते हैं, ये कहते कह जाते हैं, करते ही नहीं है। कोई नहीं करते? कहाँ कर रहे हैं न विधायक न सांसद? कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी कितने होते हैं विधायक? योगी जी को क्या पता है क्या कि वहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो आप छाप के दोगे जब मालूम पड़ेगी। हाँ, योगी जी को पता तो आप लोग बताते कहीं नहीं। अब हमें क्या मालूम है, कैसे बताया जाएगा? हमें मालूम हो तो हम योगी अभी कहा गए थे, हमारी भैया की बहू गई तो उनको मिलने भी तो दिया नहीं है। पुलिस वालों ने रोक लिया अपनी कस्टडी में। किनको? ममता रावत को। ममता रावत जो शहीद की पत्नी? हाँ, उनको कहाँ मिलने दिया उनसे? आप सीएम से नहीं मिल सकते? हाँ, मैंने कर दी। उनने कहा नहीं, अपनी कस्टडी में रोका क्या, 2 घंटे बाद मिलवा देंगे, 4 घंटे बाद मिलवा देंगे। और शाम को यहाँ पे छोड़ने? भाजपा को देते हैं? भाजपा को देते ही हैं, हैं हम भाजपा के आगे भी भाजपा को ही देंगे। अब वो आगे का देखेंगे जो क्या होगा। हमारे साथ में सही काम होगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सही हुआ कि नहीं हुआ? और क्या सही हुआ अभी तक? काम सही हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये उसका फोटो और देगा क्या बोले भैया? हाँ, वो तो देख ही रहे। अच्छा, रोजगार वगैरह कैसा मिल रहा है आप लोग? अरे बहुत परेशान है, एक एक पैसे के लिए परेशान है हम। हाँ, और क्या, लॉकडाउन के बाद तो स्थिति और खराब। काम बहुत इतनी खराब है कि हम घर पर बैठे हुए हैं। फर्नीचर का काम करते हैं, काम ही नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा? नहीं तो पूरा एकदम सुस्ती आ गई है। अरे इतनी परेशानी है कि हम जानते हैं कितनी परेशानी। मोदी जी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बाल बच्चा। अरे किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। जो कहते हैं कि मोदी सरकार का कहते हैं, योगी सरकार का कहते हैं मकान दे रही है, हमारे पास मकान भी नहीं, किराए पर रहते हैं। किराए पर? हाँ, इसी गरीबी। अरे किराए पर रहते हैं हम, फिर भी भाजपा क्या सोच के भाजपा करेगा? अब क्या सोच के भाजपा क्या करें, उसमें क्या सोच के भाजपा को? सोचा क्या है, कहते वो उसी में रहे, हमारे पिताजी वगैरह भी इसी में रहे, तो हम भी चलो कहते इन्हीं को दो। आपके बच्चों को भी उसी में रहना चाहिए? अब बच्चों अब हमारे बाद में देखेंगे क्या होगा। फिर चुनाव है? अभी चुनाव है, चुनाव में सोचा जाएगा क्या होगा। जो पार्टी हमारी सहायता करेगी उसको वोट देंगे। भाजपा सहायता की नहीं की करेगी तो कहते रोडे बनवा दे। मैं कोई दौलत चाहिए? रोड चाहिए। अरे रोडे बनवा दे सबका लिए, सबका भला। रोजगार? रोजगार तो कहते हम मेहनत करेंगे, काम चलेगा तो कहते मिलेगा। पेट्रोल वेट्रोल महंगा हुआ, इससे फर्क पड़ता है? अब फर्क तो बहुत ज़्यादा है, क्या करें। मोदी जी बोले थे कि रामदेव बाबा बोले थे 25-30 रुपये पेट्रोल मिलेगा मोदी जी। अरे कोई नहीं दे रहा 25-30 रुपये, सरकार किसी की आ जाए, पैसा बढ़ गया बढ़ गया, 1-2 रुपये उतार देंगे, किसी की भी सरकार। अच्छा, फिर से भाजपा को आप वोट दे सकते हैं? ईमानदारी दे सकते हैं? क्या बात है, नहीं बनी सड़क तो? सड़क नहीं बनी तो नहीं दे रहे। सड़क बनेगी तो देंगे। और क्या जियो, ये होता है।
ये नहीं कि हम भाजपा को वोट देते आए तो देते रहेंगे, हम सपा को वोट देते आए तो देते रहेंगे, चाहे बसपा को वोट देते आए भाई, ये तो दुनिया का भला है, हमारा अकेले का भला थोड़ी है। देखिए व्यक्तिगत सुख नहीं चाहते, चाहते कि पूरे गांव को सुख मिले और ये सड़क बने, जनता को सुख मिले, गांव को, अगल बगल के गांव को सबको सुख मिलना चाहिए, तब वोट देंगे भाजपा। और क्या, सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, और पक्का पक्का बन जाएगी तो बन जाएगी, दे देंगे। योगी जी बना दीजिए सड़क, भाजपा को वोट मिल जाएगा, और नहीं बनाएंगे तो ना दे रहे, इनको भी चलो बात कराओ, क्या बात है, बोलेंगे भैया सड़क की स्थिति, इनको परेशानी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह, मोहन सिंह, सड़क की हालत तो बड़ी खराब है आपके गांव में। हाँ जी, बहुत दिक्कत होती है लखनऊ में। मोदी जी बहुत विकास करते हैं, योगी जी और करते हैं, वो तो कुछ नहीं हो रहा है, रोड तो सब रास्ता खराब है। अभी चुनाव है, चुनाव है तो हम वोट तब देंगे, पहले हमारी रास्ता सही होंगे। हाँ, ये सही सोच है आपकी कि वोट तभी देंगे जब विकास होगा। विकास होगा, विकास अभी तक नहीं है। नहीं है आपका गांव है? हमारा गांव नहीं है, ये है कि हमारे गांव में भी पानी भरा हुआ, यहाँ निकलना रोज का गिरते रहते हैं। विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ योगी जी, पूरा विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? विकास कर रखा है यहाँ पे, कितना बढ़िया विकास हो रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। योगी जी तो कहते हैं पूरा विकास कर रहे हैं, योगी जी नहीं तो करवाए ये सब गड्ढा। अभी मेरा बच्चा बच गया इसमें नाली में गिरने से। हाँ। उस वाली नाली में कितनी गहरी नाली है ये। हाँ। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। हाँ। क्या किया योगी जी ने? योगी जी कहते हैं विकास कर, यही तो विकास है, सबको दिख रहा है वो तो। हाँ। विकास क्या छुप जाएगा, अगर होगा तो दिखेगा सबको। हाँ। यही विकास किया योगी जी ने। फिर चुनाव आ रहा है, वोट मांगने आएंगे योगी जी? हम तो वोट देंगे नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम योगी जी बढ़िया काम कर। अभी मेरा बच्चा बच गया नाली में गिर जाता, कितना गहरा नाला है इधर, बचता वो कौन आता बचाने? योगी जी आते? बिल्कुल नहीं आते। योगी जी को वोट नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ भैया, योगी जी को वोट दीजिए? नहीं दिया जाए, आपकी कोई नई सरकार आनी चाहिए, कोई नई सरकार और नए क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा किया है योगी जी ने हमारे लिए, जनता भटक रही है, अब निकलने के लिए भी इतनी दिक्कत हो रही है। आज का पानी भरा, ये बरसात का पानी नहीं है, ये पोखर का पानी है, पीछे कितनी गहरी पोखर है, इसका निकास नहीं, निकास नहीं है, रोड खराब हो रहा है, रोड बिल्कुल खराब है यहाँ का। तो महिला का भी कहना है कि हमारा बच्चा गिर जाता बचाने योगी जी नहीं आते, और ये इस तरह का गड्ढा सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे गांव की स्थिति सही है, और इसी तरह का विकास मोदी जी योगी जी करते हैं, इसलिए वोट योगी जी मोदी जी को नहीं देंगे। अगर ये रोड बन गया, पानी का निकास हो गया तो वोट देंगे भाजपा को, नहीं तो नई सरकार आनी चाहिए। नई कौन आएगी अभी बताएंगे नहीं, लोग मन में रखेंगे, इसलिए प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कि किसकी नई सरकार आनी चाहिए, सपा की, बसपा की और किसी और की? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फेसबुक वीडियो देखने पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।